How many turns are there in the normal? Okay, DNA तीन तरीके होते हैं, ADNA, BDNA, CDNA. Depending upon the number of turns that each or number of base pairs that each turn has. There's a normal reform of DNA here. It has 10 base pairs per turn. Okay. This is normal reform of DNA that is usual in our body, okay, in normal conditions. It's called as B form of DNA. Right? So, now, in cellular processes, DNA is not like that. Okay, like yesterday we saw in the nucleosome model that DNA has to wound around the stone. Why would it do so? Okay, what forces it to do so? What changes occurs in the DNA that it winds around? ठीक है, वन जैसे फॉर एग्जाम्पल कैसा हेडफोन हेडफोन फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर हेडफोन ओके ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे रखूं कुछ फर्क होगा इसको बताइए पेन में. Now, for example, this headphone winds. Okay. This process we call it overwinding. Overwinding means अगर आपके एक टर्न में in one turn you have 10 base pairs, आप उसको overwind कर दिया. उसी एक टर्न में आपके अब 12 base pairs. That means what you are overwinding it. This is the process. अगर कभी व्हाट नाउ व्हाट हैपेंस आपके 10 बेस पेयर्स पर टर्न अब आपके नाउ ही है दैट मींस अंडरवाइंडिंग देयर आर टू टर्म्स एंड डीएनए सुपर कॉइलिंग रिवॉल्व अराउंड दीस. अब जैसे इसने ये पकड़ा ओके नाउ अगर मैं इसको इसके पास लाऊंगा क्या हो जाएगा देखो इसने इसको बंद किया. सेम थिंग हैपेंस व्हेन डीएनए इज वाउंड अराउंड योर हिस्टोन्स. For example, your replication is taking place. That we'll study in detail. ठीक है ना? Replication में क्या होता है? DNA strand has to separate. When DNA has to replicate, it has to unwind or open, right? With this opening, क्या हो जाता है कि ये गैस स्ट्रेस. क्या गैस? ठीक है, मुझे पकाएं ग्रोन ही ये टाइम पकाएं ठीक पर पंच पकाएं ग्रोन ठीक पर. ठीक है, ये क्या को मतलब ये को यहाँ पर 10 बेस पेयर पर टर्न थे, आपने 11 कर दिए 12 कर दिए. अगर आप ज्यादा करेंगे तो इट विल स्ट्रेन द डीएनए टू ब्रेक राइट राइट. तो ये क्या करता है इस स्ट्रेन को रिमूव करने के लिए यहाँ पर आपका ये सुपर कॉइल हो गया. ठीक है, यहाँ पर ये आप जब ये सुपर कॉइल हो गया आप देखो जरा इसको पकड़ो नहीं पकड़ो आप देखो ये खुल रहा है ये हो गया ना सुपर कॉइल. नाउ ये स्ट्रेन रिलीज हो गया. क्या हो गया? स्ट्रेन रिलीज हो गया इस सुपर कॉइलिंग की वजह से. सुपर कॉइलिंग की वजह से ये और ये और आगे चलेगा मगर सेल है द मैकेनिज्म दैट देयर आर एंजाइम दैट ब्रेक दिस डीएनए स्ट्रैंड ओके एंड रिलीज दे. एक और चीज है हम स्ट्रेस को कैसे काम करेंगे अगर हमने उसको काटा एक स्टैंड या दोनों स्टैंड को काटा तो स्ट्रेस काम हो जाएगा. दैट इज ब्रॉट अबाउट बाय टू पॉइंट्स वो दूसरी चीज विल गो इन डिटेल. तो मेरे कहने का मतलब है दीज अंडरवाइंडिंग्स एंड ओवरवाइंडिंग्स आकर इन अ सेल इन अ डीएनए मॉलिक्यूल थ्रू नॉर्मल प्रोसेसेस आल्सो. नाउ फॉर एग्जांपल योर ट्रांसक्रिप्शन इज देयर. फॉर ट्रांसक्रिप्शन आल्सो योर दिस डीएनए हैज टू ओपन. नाउ व्हेन इट्स ओपनिंग ओके अगेन इट्स स्ट्रेनिंग द It's overwinding these strains, and यहाँ पर ये underwind हो रहा है खुद. हो गया ना underwind? जैसे यहाँ पर पहले 10 base pairs per turn थे, अब ये खुल गया इतना. आजकल बच्चे per turn बस कम. So it's underwinding here, मगर वो stress forward होकर यहाँ पर overwinding हो रही है, right? And this causes stress again in transcription. So in each cellular processes, the DNA changes its topology. We call it as topology. Okay. Now,
This DNS supercoiling is defined in terms of linking number. And linking number of a DNA molecule should be constant. Okay? Linking number of a DNA molecule should be this linking number is equal to number of twists plus number of breaths. Number of twists plus number of breaths. Number of breaths. So this will be always comparable. This is equal to 10, for example. Okay? And if twists are 7, how many will be the risks? 3. Okay. अब हमने DNA कुछ ऐसा किया कि twists हमें बढ़ा दिए, twists हमें ना कर दिए. ये बढ़ा है, यहाँ से क्या होगा? ये काम हो जाएगा. या उल्टा कर दिया, हमने क्या किया? कि twists को ही काम कर दिया. Sorry, twists को ही काम कर दिया. तो हमने इसको 5 ही बना दिया. तो risks को क्या होगा? So there is a shift between twists and lifts, but linking number will always be constant. The lifts can fall. Now, for example, now what is this? ये दस क्या है? अब ये दस है ना? ये दस क्या है? Is the reality? Is the hypothesis? ये एक hypothetical bond. And this bond is called as a topological bond. क्या बोलते हैं? अगर तुम्हारी क्वेश्चन कराऊं, linking number is a topological bond that keeps the two molecules together. Simple. जैसे for example, can't you change the name? Give it a try. अलग can't you change the name? बात समझ आ रही है आप लोगों को? हमारी गाइड का फोन कर लीजिए तो मुझे क्लास कल मिलना. यस्टरडे 2G क्लास वी वर स्टडीइंग बागवाद For example, these are two strands of a DNA, okay? This is one strand of DNA, okay? And this is another strand of DNA, okay? This is the plasmid DNA, a small circular DNA. It's called as plasmid DNA. It's an extra nuclear chromosomal DNA that's present in bacterial cells, okay? So, it also has two strands, right? This is one strand. And dusra strand kaise hoga? Hoga double helix. Ye aise hoga. Like this. These two are like this.
Okay, now these are two strands of a DNA. Okay, wound around each other, and this is a plasmid DNA. It's a double helix. You can open it. It's a double helix, right? 10 base pairs per turn. Oishak. Now, how we define topological bond? That how many? Okay, sorry. How we define linking number? How many topological bonds are there that keep it together? इसको समझने के लिए, for example, मैं करीम unwind, okay? And मैंने इस प्लाज्मिड को ऐसे किया. ये one strand of DNA है, and ये other strand of DNA. ठीक है? क्या मैंने इन दो strands को आपस में बांधा है? इस strand को और इस strand को मैंने आपस में छा गांड के छा बांधा है? कहाँ बांधा है? Are they connected? Are they connected anywhere? To check. पढ़ो इसको. दोनों पढ़ो. तुम देखो क्या मैंने इसको इस strand को मैंने इस strand को ये एक ही strand है. इसको मैंने आपस में बांधा. इस strand को भी मैंने बांधा. मगर इन दो strands को मैंने आपस में बांधा है. हाँ? Yes or no? पास करो. दिखेगा तुम्हें. जरा देखो तू ये बांधा पाई कि नहीं. बांधा है. Start learning by doing. Hormones are nice. Bond hai. Haan? Good. So I have not connected these strands anywhere. मगर फिर भी ये इकट्ठे हैं. Am I able to separate them? What is keeping them together? A topological bond. Due to the conformation, इसकी ऐसी है कि अलग नहीं हो सकते. ठीक है? और इसमें एक bond है जो इनको साथ में रखा हुआ है. So इसका linking number one है. क्या है इसका linking number? When this is connected. With help of one topological bond, तो ना एक bond है बीच में, ठीक है? So this the linking number of this whole system will be one. So this bond is not there; it's a hypothetical bond, but arises due to the topology of these two. ये ऐसे bond है क्योंकि topology की वजह से pushing की वजह से ही आपसे connected है. So in this case, you have a linking number one क्योंकि एक topology. वहीं क्या कर बोलते हूँ अगर अब मैं इसको एक टर्न नहीं आपसे दो टर्न डालूंगा ठीक है दो टर्न ओके हो गया दो अब फिर इसको बात करूंगा अब ये दो बॉन्ड्स की वजह से बांध है आपस में सो लिंकिंग नंबर विल बी टू अब मैं इसको तीसरा टर्न दूंगा तो लिंकिंग नंबर विल बी थ्री राइट सो लिंकिंग नंबर इज नथिंग बट अ टोपोलॉजिकल बॉन्ड A topological bond is arises due to the topology. Topology means structure. कैसे आपस में कैसे है structurally arranged. So due to the topology, they are together, and this is what we call as the linking number. So जितने topological bond होंगे उतने linking number. Right? अब एक term में छोटा आँख ये major root of minor root. This is possible एक term है. ठीक है? DNA ऐसा एक 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 term है. Right? It has a major group and a minor group. इस टेक्टर में how many base pairs are there? 10. एक इसमें how many base pairs? 10 base pairs होते हैं. अगर अब आपके पास एक DNA fragment है जो लंबा है, linear DNA fragment, उसमें भी आपका दो strands together है, right? उसमें भी आपके दो strands together है. कैसे? For example, you have this. DNA, okay, and you have the same problem. This is a DNA double helix. Okay, this is a DNA double helix. These are two different strands, right? Why are these two different strands? May I call? These are two different strands. Now again, they are together. इस केस में हम linking number कैसे define करेंगे? इस केस में linking number define करेंगे ऐसे Number of base pairs divided by number of base pairs per turn. That means
in case of linear molecule, they are again together, right? They are together with the help of the topology, क्योंकि ये winding हो रही है हमसे दो strands की, right? So they are together. ये साथ है कि नहीं है? ये साथ है कि नहीं है? है? आप कहाँ पर, कहीं पर भी आप सो खींचोगे ये अलग हो जाएंगे, right? But still they are together. Right? Again, this is a topological bond. See, I can separate them anywhere. They are not connected, but due to the topology or the double helix structure, they are together. See, they are together. So, yahan par bhi ye jo bonds hai, they are topological bonds. And in case of a linear DNA molecule, linking number is equal to number of base pairs by number of base pairs per term. That means अगर base pairs 3400 है और ये B part of DNA है, एक टर्म में कितने base pairs होंगे? 10 divided by 10 is equal to 340 is the linking number of that linear molecule. So now you have linking number for both what? Plasmid as well as linear DNA. Now how they are another question arises that Kazim Musa asked. How they interconvert. Okay, these are convertible. Which can change into this because the linking number they have to keep constant. Linking number they have to keep constant. So then kya hota hai? For example, you can put this. So these are two DNA strands. Okay. Now we'll wind them. Okay, double helix. Now, for example, these DNA molecules are overwound. Okay, that means if you have 10 base pairs per term, now you have more than 10 base pairs, 11, 12, whatever. Okay, jitna DNA ki shamta hai. Theek hai na? You say, I can take my arm like this. When I come to Kavastan Chabal, I'll be like, 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 उसने कभी मोड़ी है कितनी यार इट कैन ब्रेक राइट सुना जो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है इसकी किसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो आर्म की है ये इतनी तक जा सकती है और बाइक कितनी मोड़ सकता है राइट इससे ज्यादा अगर होगा तो क्या हो जाएगा तो जो डीएनए औसत जितनी इसकी क्षमता है 11 बेस पर 12 बेस पर उससे ज्यादा मुश्किल से जाएगा राइट पर द अदर विल ब्रेक सो दिस इज टू बी कम ऑन Now this is a normal B form of DNA, okay, it is a double helix, these are two strands. Shabash. Now, this is like this, okay. Kuch ho raha hai isme? Sure, okay. Now, when DNA overwinds, once your DNA overwound, DNA is the cell, okay. Ye overwound DNA, isme number of base pair zyada hai, per term, okay. अगर इसको ऐसे हो गया सो क्या हो गया ये जो बन गए दीज आर योर रिस्ट्स क्या है और ये जो हमने इसको एक्स्ट्रा दिए यहां पर दीज आर ट्विस्ट्स क्या पकड़ो दीज आर एक्स्ट्रा ट्विस्ट्स ये ट्विस्ट दे रहा हूं एक ट्विस्ट एक्स्ट्रा दूसरा ट्विस्ट पहुंचा स्टेबल और एक ट्विस्ट और जब ये ट्विस्ट बहुत सारे डीएनए में लग जाते हैं तो फिर क्या होता है दीज ट्विस्ट कन्वर्ट अब लिंकिंग नंबर कॉन्स्टेंट रखना है ठीक है ना तो दीज ट्विस्ट कन्वर्ट टू रिट्स दीज आर योर रिट्स अब अगर आप ट्विस्ट देखेंगे ओके एक और बार उसको पकड़ो अगर मैं इनको अलग करने की कोशिश करूं तुम आओ कौन आएगा तुम आओ रुक जाओ जरा इनको अलग करो स्टैंड को मैं यहां से आओ टीवी ठीक है स्टैंड करो कितना फोर्स करो ना अलग कितना फोर्स लग रहा है काटा नहीं देख तुमसे खींचो तुमने क्या करा एग्जैक्टली कितना फोर्स लग रहा है तुम्हें लग रहा है ठीक है इस फोर्स को तुम याद रख सकती हो छोड़ो आप एक मिनट ठीक है अब इन दो स्ट्रैंड्स को ये ना अपना ही स्ट्रैंड इसको जरा अलग करने की कोशिश करो तुम्हें लगता है फोर्स कम लग रहा है क्योंकि क्या हो गया कि वो जो ट्विस्ट एक्स्ट्रा थे वो रिट्स में कन्वर्ट हो गए जो ट्विस्ट एक्स्ट्रा थे
दिमका फंस गई, दिमके संस्कार हो गए, तो ये तुम्हारे लूज हो गया, ठीक है। इसी तरह जब रेप्लिकेशन या आपकी ट्रांसक्रिप्शन होती है और डीएनए खुलता है, तो अब रेप्लिकेशन कैसे होगी, एक और बार आ जाओ, अब दूसरा तरीका, इसको पहले मैं थोड़ा लूज कर लेता हूँ, ठीक है, तू मत करो, उसको मैं अपनी नॉर्मल फॉर्म में लाता हूँ, ये लूज आप बना रहे हो, इससे बन बनाना है, ओके ना, लूज है, पकड़ो अभी यहाँ से आ जाओ, Now this is the DNA, normal DNA. अब normal cellular process में क्या होता है? This is the DNA fragment. अब आपका DNA replication होना है. Replication के लिए चार strand, दो के चार strand बने कि उसके लिए DNA खुला. अब जब ये खुला, छोड़ना नहीं है. अब जब ये खुला ना, ठीक है, DNA खुल गया, इसको कहते हैं replication bubble. ये हम आज study करेंगे, ठीक है? अब जरा इसको आगे लाओ, इसको जरा आगे लाओ. नहीं, इसके साथ आ रहा, मेरे साथ के साथ. अरे तुम कहाँ आगे आ रहे हो? देखो ना, ये इसके अंडरवाइंडिंग की वजह से यहाँ ओवरवाइंडिंग होगी और फिर से स्ट्रेन आ गया. अभी रेप्लिकेशन आगे नहीं हो सकता, तो इसको रिमूव करने के लिए ये लूज हो गया, राइट. अभी और खुलेगा, आगे लिखो, ये और खुल रहा है, समझ रहे हैं? तो रिथ्स कैन चेंज ट्विस्ट, ट्विस्ट कैन चेंज रिथ्स, मगर लिंकिंग नंबर विल क्रॉस एंड सेलुलर प्रोसेसेस रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन डीएनए सुपरफाइलिंग दिस फिनोमेना इंटरकन्वर्टेबल है. दिस इज कॉल्ड एज डीएनए ब्रीदिंग. डीएनए ब्रीथ्स, कहीं पर अंडरराइटिंग हो गई तो कहीं पर ओवरराइटिंग हो गई, कहीं पर ट्विस्ट ज्यादा हो गए तो वो दैट चेंज इनटू रिथ्स. ओके, कोई शक, तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? Now in if in exam you are asked, you have ये आते हैं मेरे एग्जाम में सवाल आते हैं. A DNA is a B DNA is 64 base pair long. Okay, क्या नाम है तुम्हारा? इसका लिंकिंग नंबर क्या होगा? ये नॉर्मल बी फॉर्म ऑफ डीएनए, इसका क्या होगा लिंकिंग नंबर? 56 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए, इसका लिंकिंग नंबर क्या होगा? 56 डिवाइडेड बाय वाई, because 56 is the number of base pairs and B form of DNA has 10 base pairs per turn. मतलब अगर ये आपका double helix है, ठीक है, ये एक turn है, ठीक है, यहाँ से आपका एक turn है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, you have 10 base pairs per turn. Now for example, there's A form of DNA and Z form of DNA also, ठीक है. ए में 11 टर्न्स पर होते हैं और जी फॉर्म में 12 होते हैं, ओके, पर टर्न. ठीक है, नाउ फॉर द अदर क्वेश्चन इज द लिंकिंग नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल इज 20 मास, ओके, अदर नंबर ऑफ रिथ्स आर 7, हाउ मेनी ट्विस्ट्स आर देयर? 21 minus 7 is equal to number of roots, plus number of roots, right? So 21 is equal to 7 plus x. So x is equal to 21 minus 7 is equal to 14. Okay, बस में आगे So now coming to replication, कितना time हुआ? अभी time है, right? जो कुछ है तुम्हें पता है.
Now DNA replication process through DNA replicates from two strands to four strands. अगर क्या कहते थे कि दो time running out. ये दो strands of DNA हैं. These are two strands of DNA. Okay. इनको डिवाइड होना है, दे हैव टू डिवाइड. ओके, तो एक ने क्या बोला कि फॉर नॉन कंजर्वेटिव नेचर क्या बोलते हैं, दो स्ट्रैंड के चार स्ट्रैंड बन गए और आपको ये मिला. क्या जो दो नए स्ट्रैंड है वो उसमें रहेंगे और जो पुराने स्ट्रैंड वो ये. Okay, this is called conservative mode of replication. एक ने बोला कि भाई replication is dispersive. तीन type of ये theories दी गई. This is conservative. Okay. Dispersive ने क्या बोला? ये एक strand है. इसके साथ दूसरा strand. ये strand डिस्पर्स होगा एंड ये चार स्ट्रैंड पुराने और नए को मिलाकर बनाएगा. बात समझ आ रही है? एक ये और ऐसे ही दूसरा. बात समझ आ रही? डीएनए स्ट्रैंड से अगर ये दो स्ट्रैंड अलग हो गए, ये कहता है कि ये दो स्ट्रैंड ऐसे ही रहते हैं और उससे दो नए स्ट्रैंड बन जाते हैं. कैसे बनते हैं? बिकॉज सो रॉन्ग. दूसरा ने कहा इट्स अ डिस्पर्स मोड ऑफ रेप्लिकेशन, दैट मींस कि ये स्ट्रैंड टूटेगा और नया स्ट्रैंड के साथ बनेगा, ये एक बनेगा और ये ऐसे दूसरा बनेगा. ठीक है, जैसे दो बन गया है तो ये भी दो बनेगी. So this is a dispersive mode. But later they could not define कि energy या information conserve कैसे होगी, right? अगर ऐसे हो गया, अपना stand बन गया क्या, नए दो stand बन गए, not possible. क्योंकि इसकी information इस memory चाहिए. That's how the information will be carried from mother cells to the daughter cells. इस case में भी ये तो पूरी sequence change होगी. That means आपका in one form mutation हो गई, तो आप change हो गया setup. तो ये भी wrong होगी. Then they gave the process of semi-conservative mode of DNA replication. उसने क्या बताया कि first these two strands will separate, right? And इस strand पर अपना strand बनेगा नया और इस strand पर दूसरा नया strand बनेगा. That means you have information from your parents there and a new strand is synthesized on the old strand. And this is the correct mode of replication. That is semi-conservative, right? Conservative अगर होता तो ऐसा होता, but this is semi-conservative. So, उसमें Now जो DNA replication होती है, it does not start anywhere. For example, you have a long DNA strand. Now replication has to take place. Where from it will take place? Anywhere in the DNA. Some particular point, and what is that point called as? Origin. So, for example, this is a DNA strand.
अब ईज ऑफ एक्सेस को ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको जहां पर आपका और इट्स रीजन 80 बिकॉज अगर एक स्ट्रेच है ऐसा, ठीक है, इसका कंप्लीमेंट्री क्या होगा? राइट, ए और बी के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं? ए और सी के यहाँ बोलते जाओ, मुझे बताओ। अब मुझे इस स्ट्रैंड को डीएनए रेप्लिकेशन के लिए खोलना है, ओके, राइट? मेरे लिए इजी क्या होगा, मैं एटी की जगह खोलूं इसको या जीसी की जगह खोलूं? क्यों? बिकॉज इट्स इजियर टू ब्रेक डबल बॉन्ड्स देन टू ब्रेक ट्रिपल बॉन्ड्स। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट ऑल ऑफ रेप्लिकेशन विल बी रीच्ड इन एटी सीक्वेंस, जहां पर ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन होती है, दैट विल बी आल्सो रीच्ड इन एटी। Cell has devised its physiology in such a way that वहाँ पर आपके 80 receptors होंगे। How to save energy and how the cell behaves. So it will be always 80. Now जो structure origin of replication का होता है, it contains okay इससे पहले जो आपका बैक्टीरियल सेल है या सॉरी बैक्टीरियल रेप्लिकेशन है, प्लाज्मा ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, दे हैव वन ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या होता है? एक ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन यहां पर शुरू होगी और फिर खत्म, बस स्मॉल मॉलिक्यूल, इट डज नॉट रिक्वायर मेनी ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओके। एंड इन योर यूकेरियोट्स यू विल हैव ओवर 1 लाख ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बिकॉज़ डीएनए इज वेरी लार्ज, दैट्स व्हाई यू हैव अराउंड 1 लाख ऑरिजिन ऑफ replication। ये यहाँ replication start करेगा, ये video हम YouTube पर डाल देंगे और ये यहाँ पर खत्म होगी, okay? replication यहाँ शुरू हुई and यहाँ पर खत्म हुई, तो it will have यहाँ से यहाँ तक one replicon, okay? हमारा डीएनए स्टैंड इस ऑर्गन रेप्लिकेशन है, यहां से यहां तक डीएनए रेप्लिकेशन, दूसरा ऑर्गन रेप्लिकेशन क्या है? हेलो, मैं क्लास में मैं करता हूं, बैठो, फोन काटने का क्या मतलब होता है? तो ये नया रेप्लिकेशन दूसरा प्रोग्राम है, तो ये यहां से यहां तक सिंथेसाइज करेगा डीएनए को, तो दिस विल बी अनदर रेप्लिकॉन। सो दिस विल हैव जितने नंबर ऑफ रेप्लिकेट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होंगे उतने ही रेप्लिकॉन्स होंगे। सो प्लाज्मा हैज 1 रेप्लिकॉन एंड दिस हैज 1 लाख रेप्लिकॉन्स, ओके। रेप्लिकॉन इज अ यूनिट जो डीएनए स्ट्रैंड को ओरिजिन से एंड तक रेप्लिकेशन करेगा। एक स्ट्रैंड के 2 स्ट्रैंड बनाएगा या 2 स्ट्रैंड के 4 स्ट्रैंड बनाएगा। दिस ऑर्गन